नीले आसमान पर राज करने वाली ईगल एक खतरनाक शिकारी है। बेहद शक्तिशाली और बेहद चालाक ईगल अपने शिकार को अपने शार्प और मजबूत ग्रिप वाले पंजों से एक पल में उठाकर आसमान में उड़ सकती है, फिर चाहे वो शिकार कितना भी भारी क्यों ना हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आसमान के बेताज बादशाह के भयानक अटैक्स, जो इतने खतरनाक हैं कि देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईगल को खुले आसमान में उड़ता हुआ देखकर कई आकाश का वो शेर है ये सब लोग कहते हैं। उसे आसमान में उड़ता हुआ देखकर लगता है कि आकाश का शेर शिकार पर निकला है। देखने में भले ही ये थोड़े से भयावह होते हैं, लेकिन इनकी आंखें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसके जरिए ईगल हजारों फीट की ऊंचाई से अपने शिकार को देख सकती है। एक बार जब ईगल ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया तो टारगेट पर अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ती है। यहाँ ईगल की पैनी नजर एक उसी स्नेक पर है। ईगल बढ़ता है, स्नेक को पता भी नहीं लगता कि आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, और फिर ईगल स्नेक पर झपट्टा मारता है। एक बार में ही स्नेक ईगल के शिकंजे में फंस जाता है। इस सांप की लंबाई 4 से 5 फीट की है, जो काफी फुर्तीला भी है, लेकिन इसे संभालना ईगल के बाएं हाथ का खेल है। और खेल खत्म, आज तो ईगल के पूरे परिवार की पार्टी है, तो एंजॉय करने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी ईगल में सबसे बड़ा मार्शल ईगल होता है, और ये एक मेल एडल्ट इंसान को अपने पैरों से गिरा सकती है। मार्शल ईगल अफ्रीका की सबसे बड़ी ईगल है, जिसका वजन लगभग 14 पाउंड होता है और जिसके पंख लगभग 6 फीट 4 इंच होते हैं और लंबाई 32 इंच के आसपास होती है। मार्शल ईगल की अपर बॉडी डार्क ब्राउन कलर की होती है, सफेद पेट के साथ साथ काली धारियां और विशालकाय सफेद पंजों के साथ ये काफी भयानक होती है। लेकिन एक मैच्योर बर्ड एक एडल्ट ईगल से काफी अलग नजर आती है। लेकिन जरा देखिए, मार्शल ईगल ने एक मॉनिटर लिजर्ड की धड़कनें रोक रखी हैं। उसने इसे इस तरह दबोचा कि लिजर्ड एक सांस के लिए तरस रहा है। लिजर्ड को पूरी तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है वो ईगल के शिकंजे से किसी तरह आजाद हो जाए और अपनी जान बचा पाए, लेकिन ईगल के ताकतवर पंजों से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लिजर्ड को मौत के घाट उतारने के लिए ईगल उसे पकड़ कर उछालता है तो कभी उसकी गर्दन नोचता है, और आखिरकार ईगल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ईगल अटैक्स बेबी स्वान्स। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जहां ईगल ने अपना निशाना एक बेबी स्वान को बनाया है। ईगल यहां बेबी स्वान को खींचकर इसे घोंसले तक ले आई और अब इसके पंख तोड़ रही है, और ये जब बेबी स्वान पूरी तरह से दम तोड़ देगा तो बस ईगल का डिनर खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक फीमेल ईगल कैमरामैन से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक गूस पर झपट्टा मारती है, और ईगल के सरप्राइज अटैक की वजह से गूस संभाल नहीं पाती है और इस तरह ईगल का शिकार बन जाती है। इतना ही नहीं, जब ईगल इस गूस को खा रही होती है तब भी वो जिंदा होता है, लेकिन बेरहम ईगल उसे जिंदा देख कर उसे मार डालती है और उसे अपने घोंसले में ले जाती है। यहाँ भी ईगल पानी में तैर रहे एक डकलिंग को अपना निशाना बनाती है, उड़ते हुए आती है और उस पर अचानक से अटैक कर देती है। इतना ही नहीं, बतख के बच्चे को अपने साथ उड़ाकर ले जाने के लिए पहले उस पर अच्छी तरह से कंट्रोल करती है और उसके बाद उड़ाकर अपने घोंसले में ले जाती है। ईगल अटैक्स वॉथॉग फैमिली। ईगल अपना शिकार इतनी तेजी से करते हैं कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। हमारी अगली वीडियो क्लिप में भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। दरअसल इस वीडियो क्लिप को यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उस समय अपने कैमरा में कैप्चर किया जब उन्होंने अचानक वॉथॉग यानी कि जंगली सुअरों की फैमिली नजर आई। इस लोगों ने इस नजारे को शूट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही जंगली सुअरों की इस फैमिली ने रोड क्रॉस करना शुरू किया, अचानक बिजली से भी तेज स्पीड से उड़ते हुए ईगल ने इनकी फैमिली पर हमला बोल दिया और एक पिगलेट को देखते देखते दबोच लिया। ईगल को इस तरह शिकार करते हुए देखना वाकई इन लोगों के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग था। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पूरी तरह से ईगल ने पिगलेट को अपने कब्जे में कर रखा है। इस बीच जब पिगलेट ने भागने की कोशिश की तो ईगल ने जोर से इस पर झपट्टा मारा और उसे झाड़ियों से दूर खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले आई। वॉथॉग फैमिली ईगल के हमले से बचना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी फैमिली का एक छोटा मेंबर ईगल की पकड़ में आ गया। वैसे जंगली सुअरों को पकड़ना कोई आसान खेल नहीं है। लेकिन चील किसी को नहीं बख्शती। इस वीडियो में देखा जा सकता है चील एक यंग वॉथॉग को निशाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ जंगली सुअर की किस्मत अच्छी थी जो वो ईगल का अटैक से बच गया और यहाँ से भाग गया, वरना ये भी ईगल का लंच डिनर या ब्रेकफास्ट बन जाता। ईगल अटैक्स फिश। पानी से टकराने और मछली को पकड़ने के बाद भी ऑस्प्रे के लिए खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि ढेर सारी मछलियों को पकड़ने के लिए बार बार आसमान में उड़ते हैं। ये लंबे और मजबूत घुमावदार पंजे से लैस होते हैं, जिनमें एक तरीके का चिपकने वाला स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होता है, जिसमें वो किसी भी पक्षी को या जीव को आसानी से पकड़ सकते हैं। जितनी तेजी से मछलियाँ ईगल के डर से पानी के नीचे चली जाती हैं, उतनी ही तेजी से ईगल पानी के अंदर जाकर कुछ इस तरह मछलियों को अपने पंजे में दबाकर अपने पंख लहराते हुए पानी से बाहर आ जाती है।
इन्हें पंख इनके पानी के ऊपर लिफ्ट करने में काफी मजेदार साबित होते हैं। अब जरा इस बैल्ट ईगल को देखिए, किस तरह इसने दूर से ही पानी के अंदर अपना शिकार देख लिया और उसे पकड़ने के लिए पानी के ऊपर उड़ती हुई आई और अपने स्पेशल पंजों खोल लिया। बस एक ही बार में बड़ी सी फिश को अपने भयानक पंजों में दबोचते हुए आसमान में उड़ गई। वैसे ही सही मायनों में इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ फिशिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। ईगल अटैक्स वोल्व्स। ईगल इतने पावरफुल प्रेडेटर्स होते हैं कि पूरे आसमान को कंट्रोल करते हैं और ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जब इनके खाने का वक्त होता है तो एक फ्लैश में पूरी स्पीड के साथ ही नीचे उतरते हैं और जो जानवर सामने दिखाई देता है उस पर हमला कर देते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये भेड़िए तक को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। आप देख सकते हैं किस तरह ईगल एक वुल्फ को अपना शिकार बना रही है। ध्यान से देखिए, ये कोई छोटा मोटा कुत्ते का बच्चा नहीं है बल्कि एक बड़ा सा भेड़िया है जो इस समय पूरी तरह ईगल के कब्जे में। अगली क्लिप तो और भी ज्यादा शानदार है, जहां ईगल दौड़ते हुए भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करती है, उसे गिराती है, उलटती पलटती है और इस तरह आसमान में लेकर उड़ जाती है। और यहाँ एक साथ दो ईगल एक एडल्ट वुल्फ को अपना शिकार बना रहे हैं, वो तो गनीमत है कुछ लोगों ने यहाँ आकर इस वुल्फ की जान बचा ली, वरना ये दोनों इस भेड़ियों को भी अपना शिकार बना ही लेते। ईगल अटैक्स क्रेन। ईगल जहाँ आसमान पर राज करती है तो वहीं जमीन पर जानवरों का शिकार करके यहाँ भी अपना अधिकार स्थापित करती है। ईगल ना तो जमीन पर दौड़ने वाले जानवरों को छोड़ती है और ना ही पानी में तैरने वाले जीवों को। यहाँ पानी में तैरते हुए स्क्रीन को देखा जा सकता है जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उस पर एक ईगल की नजर है। लेकिन यहाँ फाइटिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। और देखिए, जैसे ही ईगल ने क्रेन पर हमला किया, क्रेन ने अपने आप को ईगल से बचा लिया। लेकिन ईगल हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने एक बार फिर क्रेन को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर अटैक किया, लेकिन इस बार भी अटैक अनसक्सेसफुल रहा। यहाँ पर क्रेन अपने पैरों से ईगल के पीछे वार करती है जिससे ईगल को यहाँ से भागना पड़ता है। ईगल अटैक्स फॉक्स। ईगल और फॉक्स को कंपेयर किया जाए तो जाहिर है साइज और वेट के हिसाब से ईगल फॉक्स से काफी बड़ी होती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भला ईगल एक फॉक्स को अपना शिकार कैसे बना सकती है। लेकिन इस क्लिप में देखकर आपको पता चल जाएगा कि चील लोमड़ी को भी अपना शिकार बनाने में पीछे नहीं है। चले, कैसे यहाँ ईगल ने एक लोमड़ी को अपना निशाना बनाना चाहा और उसने सीधे उड़ते उसे दबोचना चाहा, लेकिन फॉक्स ने अपने आप को ईगल के हमले से बचा लिया। कोई बात नहीं, यहाँ तो ईगल का अटैक अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इस क्लिप में देखा जा सकता है किस तरह ईगल ने उस लोमड़ी को अपना शिकार बनाया जो खुद अपने शिकार को मुंह में लेकर दौड़ रही थी। इसने इस भारी भरकम लोमड़ी को एक झटके में अपने मजबूत विशाल गाय पंजों में दबोच लिया और देखते ही देखते हवा में उड़ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।